आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। बेरोजगार कला अध्यापक संघ की चंबा इकाई के पदाधिकारियों ने लोक निर्माण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन से अवगत करवाते हुए संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कला अध्यापक के 285 पदों को भरने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत तो किया गया, लेकिन इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की ओर से स्वीकृत नहीं किया गया। इसे स्वीकृति न देने का कारण माध्यमिक पाठशालाओं में न्यूनतम 100 बच्चे होने के नियम को बताया गया, जबकि सत्य तो यह है कि ये 285 पद उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में भरे जाने थे, जिसमें 100 बच्चों का कोई नियम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश भर में कला अध्यापक की 1633 पद रिक्त चल रहे हैं, इनमें से 881 पद माध्यमिक पाठशालाओं में रिक्त हैं। उन्होंने माध्यमिक पाठशालाओं में कला अध्यापक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम 100 बच्चों की अनिवार्यता के नियम को भी गलत करार दिया, साथ ही यह नियम को जल्द से जल्द समाप्त करने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने 980 पोस्ट कोड का अंतिम परिणाम जल्द से जल्द निकालने की मांग भी कैबिनेट मंत्री के समक्ष उठाई। मैं विपिन कुमार, बेरोजगार कला अध्यापक संघ चंबा का अध्यक्ष। आज हम लोक निर्माण मंत्री जो विक्रमदेव सिंह जो है चंबा आए थे, पहली बार युवा मंत्री हमारे चंबा में आए थे, सुन के हमने वहाँ पे इनका स्वागतम किया है। हम उनसे ये बात रखने गए थे कि 5 जून को जो हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले हैं, क्योंकि हमारा ड्राइंग टीचर 980 का रिजल्ट रुका है और हमें मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट जो है निकाला जाएगा। इस तथ्य पे हम मुख्यमंत्री विक्रमादित्य सिंह से आज बात करने आए थे कि आप युवा मंत्री होने के नाते ये बात हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार तक पहुँचाए, धन्यवाद। मैं शक्ति प्रसाद, उपाध्यक्ष बेरोजगार कला अध्यापक संघ हिमाचल प्रदेश। आज जो लोक निर्माण विभाग वो खेल मंत्री विक्रमादित्य जी हमारे चंबा के दौरे पे हैं और आज हम उनसे मिल चुके हैं और हमने उनसे ये मांगे रखी हैं कि अभी पीछे जो कैबिनेट हुई उसमें शिक्षा विभाग में जो 5200 कुछ पद निकाले गए थे उसमें 285 पद जो ड्राइंग टीचर के भी एजेंडे में कैबिनेट के लिए गए थे, लेकिन जब कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारे जो 285 पद हैं वो मतलब कैबिनेट से हटा दिए गए हैं और उसको ऊपर कोई भी स्वीकृति नहीं दी गई। और इसका मेन रीज़न ये है कि सरकार ने हवाला दिया कि मिडिल स्कूल में कला अध्यापक की नियुक्ति के लिए 100 बच्चों की अनिवार्यता होना ज़रूरी है, लेकिन जिस तरह से फरवरी के महीने में एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी जिसमें कि शिक्षा विभाग में जितने भी अन्य वर्ग हैं जैसे TGT हो गया, शास्त्री हो गया, JVT हो गया, LT हो गया, उसमें सभी के रिक्त पदों का ब्यौरा दिया गया था और उसमें ड्राइंग टीचर के 285 पद भी बताए गए थे जो कि मिडिल स्कूल में ना होते हुए वो सिर्फ हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के थे, जबकि उनको भी उस टाइम नहीं भरा गया, जबकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल में 100 बच्चों की कोई अनिवार्यता नहीं है। तो हमने आज विक्रमादित्य जी से मुलाकात की और इसके संदर्भ में हमने बात की कि ये जो 285 पोस्ट हमारी जो कैबिनेट के एजेंडे में लाई गई थी उनको जल्द से जल्द अगली कैबिनेट में स्वीकृत दे के हमारी जो 285 पोस्ट हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हैं उनको